11 बीघा जमीन हड़पने माँ को कलयुग बेटे, बहू ने किया लहूलुहान, बुजुर्ग माँ पर चाकू से किया हमला, सूचना पर से पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुटी। जहां पूरा देश वृद्धजन दिवस का समारोह मना रहा था, परंतु श्योपुर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो कहीं न कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपको बता दें कि बड़ौदा थाना क्षेत्र के पिलोसपुरा गाँव में कलयुग बेटे और बहू ने मिलकर वृद्ध माँ की पिटाई कर दी। वृद्ध माँ अपने बेटे और बहू पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। बेटे और बहू के इस घटना को अंजाम देने के बाद घायल महिला को घर से निकाल दिया गया। कैसे न कैसे घायल महिला बस में बैठकर श्योपुर जिला अस्पताल पहुंची, जहां एक समाज सेवी द्वारा महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा महिला का उपचार किया जा रहा है। महिला भी अस्पताल में भर्ती है, जिसका नियमित उपचार चल रहा है। इस मामले में जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पता चला तो तत्काल पुलिस ने एक्शन लिया और कार्रवाई करते हुए महिला के बयान पर बेटे और बहू के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। घायल महिला मोहिनी बाई ने बताया कि बाथरूम में नहा रही थी, तभी मेरी बहू ने उसे घसीटते हुए बाहर निकाला और मेरे चेहरे पर बेटे और बहू ने चाकू घोंप दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार बहू बेटे ने मारपीट की है। युवा समाज से भी अब इस गंभीर घटना को देखते हुए आगे आ गए हैं। दरअसल घायल बुजुर्ग महिला के बेटा और बहू बची हुई संपत्ति को हड़पने के लिए बुजुर्ग माँ को घसीटते पीटते हैं। बची हुई 11 बीघा जमीन बेटा और बहू हड़पना चाहते हैं। श्योपुर से अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरी कोई रिपोर्ट थाने में तो नहीं हुई है, पर आपने जो अभी वीडियो दिखाया है, जो मैंने थाना प्रभारी बड़ौदा को बताया है, ये बुजुर्ग महिला पांडोला चौकी थाना क्षेत्र में, पांडोला चौकी क्षेत्र में इनका घर आता है, तो वहाँ सब्जी प्रभारी जा रहे हैं, पता करते हैं जो भी तथ्य होंगे और जिन लोगों का भी इसमें कुछ फॉल्ट होगा और उसमें कुछ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।